नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। दलाल के जरिए पटवारी ले रहा था रिश्वत, दलाल सहित पटवारी को लोकायुक्त ने दबोचा। जबलपुर में नामांतरण के बदले पटवारी 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। रिश्वत वसूली के लिए उसने दलाल भी रखा हुआ था। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने दलाल सहित पटवारी को पटवारी कार्यालय मझगवा तहसील सिहोरा जिला जबलपुर से दबोच लिया। एसपी लोकायुक्त ने बताया कि आवेदक जितेंद्र सिंह पटेल, पिता हल्के राम पटेल, उम्र 44 वर्ष निवासी, ग्राम सिंगोर थाना पनागर में बहन सीमा पटेल की शादी अरविंद पटेल निवासी जुनवानी तहसील सिहोरा से हुई थी। आवेदक के जीजा अरविंद पटेल की अप्रैल में करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिनका ग्राम जुनवानी में 1.23 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसका फौती नामांतरण करने के हेतु आवेदक की बहन द्वारा दिनांक 31 जुलाई को लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया गया था। हल्का पटवारी देवीदीन पटेल द्वारा उक्त कार्य करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे शिकायत सत्यापन उपरांत आज 16 अगस्त को सह आरोपी शारदा पटेल निवासी कचनारिया, जो कि पटवारी देवीदीन पटेल के कहने पर रिश्वत राशि प्रथम किस्त 10,000 रुपए ले रहा था, रंगे हाथों पटवारी कार्यालय मझगवा में पकड़ा गया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।